डॉक्टर दवाई दे सी पर न दे सी हालात बहुत खराब है देखा डॉक्टर को यार उठी के रहने यार देखन बदले के करेंदा डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब बीमार डाडा जी बुखार है जी जी हां के बच्चे ते मजदूरी करना जी एकां जी बहुत परेशान हां जी ते दवाई लेना बैठा जी बुखार बहुत डाडा चौथी दिहाड़ दा बुखार है ओके परेशान हां मजदूरी दे कोरा वाला दे बच्चे भी भूखे हैं मर्द पर भूख से ठीक जी अल्लाह को लाए बैठा हां जी अल्लाह पाक खैर करे सी जी दवाई तो दीना जी नमज विखाओ ना अपनी कोई गल नहीं अल्लाह पाक सेहत देसी तो साडे को आ गए हो जी या दवाई लेके तो जीने या अल्लाह पाक खैर करे सी डॉक्टर कितने दिन जानी ये जी लिखी किसी हफ्ते दी ये जी दो दिन दवा जी गरीब बंदा जी पैसे खाने खोलू जी ठीक है जी हो गया ला भाई जी हफ्ते दी दी दवा हो गई जी दो दिन दो टाइम सुबह शाम एक कैप्सूल रोजाना दा एक है जी दवाई तुम्हारी हो गई जी जी ए ले लो समझ लो दो टाइम सुबह शाम शरबत जी एक कैप्सूल रोजाना दा जी ए लो बस ये लो अमीर बंदे अमदाद करके वड्डी लॉस बेच सकदे ने दूआ जी जेड़ा कोई होर पैसा गरीब पांदा ओह वी बेच जेड़ी अपनी दवाई जैसे कढ लैंदे ने दूआ जेड़ा गरीबां दी मदद करदा इस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हर मेडिकल स्टोर पर इस तरह का इमदादी बॉक्स होना चाहिए ताकि साहिब इस्तात लोग इस बॉक्स में अपनी इस्तात के मुताबिक पैसे डाल सकें और जो भी गरीब आदमी आए मेडिकल स्टोर वाला उसको उसके पैसे ना होने के बावजूद भी उसकी डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक दवाई दे सके ताकि वो अपना इलाज सही तरीके से करा सके। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में लाजमी बता दीजिएगा।